بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامرأتين عدولا كانوا او غير عدول او محدودين في القذف दो मुसलमानों का आपस में निकाह, दो मुसलमानों का तस्निया पढ़िए इसको, दो मुसलमानों का निकाह मुनाकिद नहीं होगा मगर ऐसे दो गवाहों की मौजूदगी में जो दोनों आज़ाद हों, कोई गुलाम उसमें ना हो, दोनों आकिल हों, कोई पागल या बच्चा ना हो, बालिगैने दोनों बालिग हों यानी कोई नाबालिग ना हो, मुस्लिमैन दोनों मुसलमान हों, जिम्मी काफिर ना हो, रजुलैन औ रजुलिन व इम्रअतैन दोनों मर्द हों तो और अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम एक मर्द और दो औरतें हों, चारों औरतें नहीं, एक मर्द और एक मर्द की जो कमी है उसकी जगह पे दो औरतें मिलकर पूरी करेंगी। अब आ गया रहा उदूलन कानू औ गैरा उदूलिन, आदिल की जमा उदूल, ये गवाह, देखिए क्या वो तस्निया से हट गया, ये अब जमा आ गया, ये गवाह जो भी बन रहे हैं, एक दो मर्द या एक मर्द दो औरतें, तीन हो जा रहे हैं ना, ये गवाह चाहे आदिल हों या गैर आदिल हों यानी फासिद हों, गैर आदिल का मतलब क्या हुआ, फासिद हों, औ महदूदीना फिल कज़फ या महदूद फिल कज़फ हों यानी किसी के ऊपर तोहमत लगाई हो जिना की मसलन और उसको साबित ना कर सके हो, और जब साबित ना कर सके तो फिर उनके ऊपर हद कज़फ लगती है, तो महदूद फिल कज़फ भी अगर हों वो भी फासिक हैं मगर इसके बावजूद वो गवाह बन सकते हैं। देखिए गवाह में दो चीज़, एक होता है गवाह बनना और एक होता है ज़रूरत पड़ने पर अपनी उस गवाही को इस्तेमाल करना, जाकर के गवाही देना, हाँ मेरे सामने ऐसे ऐसे मामला हुआ है, ये गवाही को अदा करना है, यानी एक है कह लीजिए तहम्मुले शहादत और एक है अदाए शहादत, तहम्मुल का लफ्ज़ नीचे आएगा, तहम्मुले शहादत यानी शहादत का हामिल होना, गवाह बन जाना, और अदाए शहादत का मतलब हो गया कि ज़रूरत पड़ी, इख्तलाफ जब होगा जब ये ज़रूरत पड़ेगी, इख्तलाफ हो ज़रूरत पड़ने पर उसी गवाही को अदा करना, हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ है। देखिए तो हमारे नज़दीक क्या है कि निकाह का इनेकाद कब होगा, उसके लिए शर्त यह है कि दो गवाह हों, दो गवाह हों, अब गवाह कैसे हों उनके लिए सब शरायत हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, आज़ाद हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो गवाह का होना ये शर्त है, लेकिन इसको हटा दीजिए तो ईजाब और कबूल का होना ये रुकन में से है, ईजाब और कबूल का होना जो कल आपने पढ़ा ना तज़व्वुज तो कबिल तो ईजाबो कबूल, ईजाबो कबूल ये अगदे निकाह के अरकान हैं, गवाही भी है, सब कुछ भी है, एक दो गवाह नहीं बल्कि सैकड़ों गवाह मौजूद हैं, लेकिन ईजाबो कबूल में से कोई एक नहीं पाया गया, मसलन ईजाब सिर्फ पाया गया कबूल नहीं पाया गया, तो फिर ऐसी सूरत में वो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, यानी सिरे से होगा ही नहीं, तो ये उसके अरकान में से है कि इनमें से कोई एक अगर फौत हो तो उसका वजूद ही नहीं होगा, और अगर गवाह ये इजाबो कबूल तो हुआ लेकिन गवाह नहीं है तो गवाह का होना चूंकि शर्त है, और जब शर्त मफकूद हो जाती है तो जो मशरूत उसके साथ जुड़ा हुआ वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके अरकान पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से गवाह ना पाए जाने की वजह से ये निकाह उसका ख़त्म हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, उसकी हैसियत नहीं होगी, मान वो मतलब मकबूल नहीं होगा वो। अच्छा देखिए मामला असल में ये है कि ये जो गवाह की शर्त लगी है वो क्यों लगी है, वो इसलिए लगी है
कि अगर निकाह होगा तब उन दोनों का एक साथ रहना हलाल होगा, और बेनिकाह के अगर एक साथ रहते हैं तो ये क्या होगा, ये हराम होगा। चुपके चुपके आदमी हराम काम करता है, चुपके चुपके आदमी हराम काम करता है और हलाल चुपके से नहीं करता है। भाई एक कमरे के अंदर दो मियां बीवी आए, दरवाजा बंद कर लें, उनको कोई आर महसूस नहीं होगी। भाई मियां बीवी हैं, वो दरवाजा बंद करके अपना रहेंगे, लेकिन दो गैर अजनबी आदमी हों तो इधर उधर देखेंगे, देखते हैं ना, क्योंकि वो गुनाह है तो वो खुफिया तौर पर करना चाहते हैं, मतलब ये फितरत होती है खुफिया तौर पर, तो इस वजह से इधर उधर देख, जब देखेंगे कोई नहीं तब दरवाजा बंद कर तो इसलिए निकाह के लिए ये शर्त लगी है कि दो गवाह होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ इन दोनों का निकाह हुआ है, ये दोनों हलाल तरीके से रह रहे हैं, हराम तरीके से नहीं रह रहे हैं। चलिए अब एक इख्तलाफ आता है अहनाफ के दरमियान और इमाम मालिक के दरमियान। इमाम मालिक के नजदीक ये है कि शहादत शर्त नहीं है, ऐलान शर्त है। शहादत की जब शर्त लगा देंगे तो फिर शाहिद के साथ जो लवाजिम है उनका बरतना जरूरी होगा, का बरतना जरूरी होगा, आकिल हो बालिग हो, हैं ये सारी चीजें उसके अंदर लगेंगी। और सिर्फ ऐलान की बात अगर आप करेंगे तो बच्चों पागलों में भी ऐलान कर दें, हाँ फलां का निकाह फलां के साथ हो गया, लोग जान लो, तो बच्चे और पागले अगर हैं बाहर खड़े तो उनमें भी ऐलान कर दिया इस तरीके से, तो ऐलान कर मान लिया जाएगा। वो उसमें ये नहीं है कि उनके सामने हो जो आकिल हो बालिग हो उनके दरमियान ऐलान किया जाए, नहीं, उनके दरमियान भी अगर ऐलान हो गया तो ऐलान का तहक्कुक हो जाएगा। अच्छा, लिहाजा इमाम मालिक ये कहते हैं कि ऐलान शर्त है, शहादत शर्त नहीं है। क्या शर्त है? ऐलान शर्त है, शहादत शर्त नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर शाहिद हैं, दो नहीं कई एक है जिनसे ऐलान होता है, शाहिद हैं, और आपने उनको कह दिया शाहिदों को कि किसी से बताइएगा नहीं ये जो निकाह आपके सामने हो रहा है, तो ऐलान नहीं पाया गया। इमाम मालिक क्या कहते हैं? ऐलान नहीं पाया गया, अगर अगरचे शाहिद पाया गया मगर ऐलान नहीं पाया गया, क्योंकि आपने कह दिया किसी से बताइएगा नहीं, तो ऐलान नहीं हुआ, इसलिए निकाह नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि नहीं, गवाह शर्त है, गवाही शर्त है, ऐलान जो है नहीं। अब रही ये बात, दोनों की अलग अलग दलीलें हैं। इमाम मालिक जो दलील पेश करते हैं वो हदीस पाक है, आलिनुन निकाह वलो बिदुफ़, ये अल्फाज हैं, या दूसरी रवायत में इस तरीके से अल्फाज हैं कि आलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो। तो इमाम मालिक इससे इस्तदलाल करते हैं कि देखो निकाह का ऐलान करने का हुक्म आया है, वो भी फेले अम्र के साथ है, अम्र वजूब के लिए आता है, लिहाजा ऐलान जरूरी है बजा करके। जैसे आज गोला दाग करके बारात जब जाती है, होता है ना, गोला दागते हैं, क्या चीज, आज बारात और रात जाती, इधर का माहौल जो है या हमारे यहाँ का माहौल है कि जब पहुँचते हैं बारात लेकर के तो गोला दागते हैं, गोला जैसे ही दगा तो जो जहाँ गांव में सुनाई दे देता वो लगता बारात आ गई। फिर उसके बाद निकाह के बाद भी दागते हैं तो होता है कि नहीं बारात तो आने की इतना पहले हो गई थी, अब ये निकाह हो चुका उसका, वो तो ऐलान हो गया, वो तो फेसबुक के जरिए ऐलान, शादी का माहौल है कहीं और दुब बज रहा है तो हुआ कि हाँ शादी हो गई है, ये है। तो इमाम मालिक ये कहते हैं कि निकाह का ऐलान जरूरी है, और ऐलान जब जरूरी है तो ऐलान के लिए ये सब शरायत नहीं है जो शाहिद के लिए, और उनकी वो दलील है। और हमारी दलील क्या है, ये हदीस है जो इस मतन के अंदर है, ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, निकाह नहीं होता है मगर गवाहों से, गवाह जब होंगे जब ही निकाह होगा। अब देखिए ये हदीस पाक इमाम मालिक ने जो ऐलान की शर्त लगाई है उसके खिलाफ हुज्जत बन रही है। इसमें तो है शाहिद और वो क्या शर्त लगा रहे हैं कि ऐलान की शर्त है, लेकिन मत
की जो इबारत है देखिए इसमें हिदाय की, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वहुवा हुज्जतुन अला मालिकिन फी इश्तिरातिल इलान दून शहादते, कि ऐलान की शर्त लगाने के मामले में ये हदीस पाक इमाम मालिक के खिलाफ हुज्जत है ना कि शहादत है। तो इससे बज़ाहिर क्या मालूम होता है, बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये हदीस पाक इमाम मालिक के खिलाफ दो मसलों में हुज्जत है। एक तो इस मसले में वो कहते हैं कि शाहिद शर्त नहीं, तो हदीस कह रही कि नहीं शाहिद शर्त है। दूसरे इस मसले में कि वो कहते हैं कि ऐलान शर्त है, तो हदीस कह रही कि ऐलान शर्त नहीं है। तो अब आप सोचिए इस लफ्ज से ही ना समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं कि वह हुज्जतुन अला मालिकिन फी इश्तिरातिल इलान दून शहादत, दोनों को जोड़ दिया उसने, यानी गोया ये हदीस पाक इमाम मालिक के खिलाफ इस मामले में भी हुज्जत है जो वो ऐलान की शर्त लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या उनके खिलाफ हुज्जत होने का कि वो कहते हैं कि ऐलान शर्त है और ये हदीस कह रही कि ऐलान शर्त नहीं है। और दूसरा मसला वो कहते हैं कि शहादत शर्त नहीं है और हदीस दलालत कर रही उसके खिलाफ शहादत शर्त है। तो हदीस इस बात पर दलालत करे कि शहादत शर्त है और कहते हैं नहीं है, इस मामले में तो बिल्कुल वाज़े है, हदीस में नहीं अल्लाह ने कहा इल्ला बिशुद्दी, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐलान शर्त नहीं है तो इस पर कहां इसकी दलालत हो रही है, भाई ऐलान शर्त नहीं है तो इस पर दलालत नहीं हो रही है, हो रही है दलालत ऐलान के बारे में तो खामोश है ना, तो शहादत का जिक्र कर रही है, कहां कह रही है कि ऐलान की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें यह है ना कि बगैर शहादत के निकाह नहीं होगा, तो ये हदीस पाक किस बात पर दलालत कर रही है, सिर्फ इस बात पर कि शहादत शर्त है, जो कहते हैं कि शहादत शर्त नहीं है उनके खिलाफ ये हुज्जत है। लेकिन ये इस पर कहां दलालत कर रही है कि ऐलान शर्त नहीं है, सिर्फ ऐलान शर्त है नहीं, नहीं तो है ना उनका मौके ऐलान शर्त है, शहादत शर्त नहीं, ऐलान तन्हा शर्त है, ऐलान तन्हा शर्त है हदीस कह रही कि नहीं शहादत चाहिए, ऐलान के बारे में जिक्र नहीं, तो ऐलान के बारे में जिक्र नहीं ना है, है? तो फिर हदीस कैसे दलालत कर रही है इस बात पर कि ऐलान शर्त नहीं है, कहां दलालत कर रही है, ये हदीस इस बात पर दलालत कर रही है ना कि शहादत शर्त है, लिहाजा इमाम मालिक जो कहते हैं कि शहादत शर्त नहीं तो उनके खिलाफ हो गई है। लेकिन ये हदीस इस बात पर कहां दलालत कर रही है कि ऐलान शर्त नहीं है, नहीं ना दलालत इसकी हो रही है, उसे तो खामोश है। इसलिए ये कहा जाएगा कि ये जो आया फी इश्तिरातिल इलान दून शहादत, ये उनके पूरे मौकिफ को बयान करने के लिए है। सही बात यह है, उनका जो पूरा मौकिफ इस मामले में है कि ऐलान शर्त है शहादत शर्त नहीं है, उस पूरे को तमामियत के साथ बयान करने के लिए लाया गया है। वरना सच्ची बात यह है कि यह हदीस सिर्फ एक पहलू पर दलालत कर रही है उनके खिलाफ, दूसरे पहलू पर उनके खिलाफ दलालत नहीं कर रही, उससे खामोश है ना, है? तो ये है, तो हमारी दलील यही है जिसमें आया कि साफ साफ ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है आपने तो ये इस्तदलाल कर लिया, उन्होंने ऐलान की जो शर्त लगाई है तो उनके पास भी तो दलील, वो भी हदीस है आलिनु बिन निकाह या आलिनु निकाह वलो बिदुफ, ये तो उसका जवाब क्या होगा। तो उसका सही जवाब जो होगा वो देखिए ये होगा, हम ये कहते हैं कि उस पर भी अमल होगा, यानी ऐलान करने का भी हुक्म हम मानते हैं, ऐलान भी हमारे नज़दीक है। अब झगड़ा आता है, इख्तलाफ आता है इस मामले में कि आया जो शाहिद दो हैं, ये दो शाहिद की मौजूदगी अगर हो जाए अक़्द निकाह के वक्त, तो दो शाहिदों का मौजूद हो जाना आया ये ऐलान के लिए काफ़ी है या काफ़ी नहीं है। इमाम मालिक ये कह रहे नहीं नहीं काफ़ी वफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। और हम ये कहते हैं कि नहीं, यही ऐलान के लिए भी काफ़ी है, दो शाहिद अगर पा लिए गए तो वही ऐलान के लिए भी काफ़ी है। अगरचे
आके देन ये कह दें कि हमारा ये जो निकाह हो रहा किसी से कहिएगा नहीं, जब भी वो ऐलान के लिए काफी है। वो कैसे? आप खुद अपने मुहावरे में बोलते हैं ना, हैं? आप खुद अपने मुहावरे में ये बोलते हैं, या आपने हो सकता है शेख सादी का पुला पढ़ा हो कि जो अगर किसी से कहता है कोई बात कह करके, किसी से मत कहना है, तो उसको रोक नहीं पाएगा, वो जरूर कह देगा। वो है कि हाँ ये है कि अगर आपने किसी से कह दिया और कह दिया कि मत कहना किसी से, तो रुका रहेगा, वो जरूर पहुंच जाएगा। और एक शेर भी किसी शायर का है जिसका मफहूम यह है कि एक का राज तो राज रहता है, लेकिन अगर वो दो तीन तक पहुंच गया तो गैर खफीन, वो मख्फी नहीं रह सकता है। तो इसलिए अहनाफ ये कहते हैं कि हम ऐलान को भी मानते हैं, ऐलान को भी हम मानते हैं, लेकिन इसी शहादत के जिम्न में हम ऐलान मान ले रहे हैं। लिहाजा शाहिद शहादत शर्त है, और शहादत के साथ साथ ऐलान का भी तहक्कुक हो जा रहा है। चलिए देखिए, काला मुसन्निफ ने कहा, तरीके से काला से ये ताबीर करते हैं गायब के सेगे से साहिब हिदाया। काला रदी अल्लाह अन्हो, मुसन्निफ रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, इअलम अन्न शहादता शर्तुन फी बाबिन निकाह है, जान लो कि शहादत निकाह के बाब में शर्त है। लिकौलिहि अलैहि सलाम ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, क्योंकि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि बगैर गवाहों के निकाह नहीं होता है। और इमाम मालिक जो है इस हदीस को गवाही के बजाय उसको ऐलान पर महमूल करते हैं, कहते हैं इससे भी मुराद क्या ऐलान ही है। वहुआ हुज्जतुन अला मालिकिन फी इश्तिराकिल ऐलान दून शहादते, ये इमाम मालिक के खिलाफ हुज्जत है ऐलान की शर्त लगाने में, शहादत की शर्त ना लगाने में। वला बुद्द मिन इतबारिल हुर्रियते, ये तो बात खत्म हो गई है। अब आगे आ रही है कि ठीक है शहादत की शर्त है, ये वाज़ेह हो गई बात। अब शाहिद के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं, तो उसका जिक्र आ रहा है। कह रहे देखिए, वला बुद्द मिन इतबारिल हुर्रियते फीहा, शहादत के अंदर हुर्रियत का एतबार जरूरी है कि शाहिद क्या हो, आजाद हो, गुलाम ना हो। तो लियन्नल अब्दा ला शहादत लहू, क्योंकि गुलाम के लिए शहादत नहीं होती है, गुलाम के लिए शहादत, वो शाहिद नहीं बन सकता है गुलाम। क्यों नहीं बन सकता है? कह लियादमिल विलायत है, विलायत ना होने की वजह से। देखिए एक विलायत है विलायत कासिरा और एक है विलायत तामा। विलायत कासिरा क्या है कि अपने बारे में वो तसर्रुफ कर सके, खुद अपनी जात के लिए वो तसर्रुफ कर सके, और विलायत तामा यह कि अपनी बात दूसरे पर नाफिज कर सके। हैं विलायत कासिरा मान लीजिए कि गुलाम खुद अपना निकाह खुद से करे तो कहा जाएगा कि हाँ उसे विलायत कासिरा हासिल है, और तामा का मतलब क्या हुआ कि दूसरे का भी करा सके, दूसरे के ऊपर भी इख्तियार उसे हो, तो विलायत तामा हो जाएगी। जैसे बाप है तो बेटे का निकाह वो करा सकता है, वो क्या विलायत तामा उसे हासिल है, बादशाह है तो उसे तो पूरी तौर से विलायत हासिल है। तो गुलाम वो है कि जिसे विलायत कासिरा भी हासिल नहीं है, कासिरा नहीं हासिल तो तामा कहां से हासिल होगी, आम खास मतलब की निस्बत हो जाएगी। तो विलायत कासिरा भी हासिल नहीं है, जब कोई गुलाम है तो अपनी मर्जी से वो अपना निकाह नहीं कर सकता है, ये कर सकता है नहीं कर सकता है, आका का वो खादिम है ना, वो निकाह करेगा तो पता चला इसकी खिदमत में फर्क पड़ेगा, फिर उसका मेहर देना आएगा, कहां से मेहर देगा वो, जब गुलाम है तो सारी मिल्कियत तो इसकी है आका की, मसला आएगा। इसलिए उससे खुद अपने ऊपर विलायत नहीं है, जिसको विलायत कासिरा कहते हैं। और शहादत ये विलायत से है कि शाहिद वही बन सकता है कि जो जिसे विलायत हासिल हो, कम से कम अपने ऊपर हासिल हो। तो जब इसके अंदर विलायत नहीं है खुद अपने बारे में तसर्रुफ करने की, तो शाहिद भी ये नहीं बन सकता है। विलायत कासिरा हो तामा ना हो,
असल में वो निस्बत करते हुए दूसरे की जानिब होगी बात, दूसरे की जानिब निस्बत करते हुए होगी। अब जैसे कोई है तो उसे अपने ऊपर विलायत हासिल है, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है कि जिसके ऊपर विलायत हासिल हो उसे, तो फिर कहा जाएगा कि उसे विलायत कासरा है और विलायत तामा के लिए महल ही नहीं है, विलायत तामा के लिए माल नहीं मौजूद है। हाँ, ले आदमी विलायत है, वला बुद्धा मिन एतबारिल अक्ल वल बुलूग, और अक्लो बुलूग का एतबार भी जरूरी है कि शायद आकिल हो यानी पागल ना हो, और बालिग हो ना बालिग ना हो, उनकी भी दलील वही है। लेन्नहु ला विलायता बिदूनिहिमा, इसलिए कि इन दोनों के बगैर विलायत नहीं होती है। कोई गैर आकिल है तो वो तसरुफ नहीं कर सकता है, नाबालिग है तो तसरुफ वो नहीं कर सकता अपने ऊपर। वला बुद्दा मिन इतबारिल इस्लाम फी अनकिहतिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के निकाहों में मुसलमान होना भी शाहिद के लिए ज़रूरी है, उसका भी एतबार ज़रूरी है मुसलमानों के निकाह में। ये कैद क्यों लगा दी? अरे इसलिए लगा दी क्योंकि अगर गैर मुस्लिम हैं वो निकाह कर रहे हैं तो उनके निकाह के लिए मुसलमान होना, शाहिद होना, शाहिद का मुसलमान होना ये ज़रूरी नहीं है। उनके मजहब के एतबार से अगर गैर मुस्लिम का निकाह और गैर मुस्लिम ही गवाह बन जाए वहाँ पर, उनके मजहब के एतबार से ये सही हो तो वो निकाह सही होगा। अब आप कहेंगे कि हमसे इससे क्या मतलब, निकाह सही होगा कि नहीं सही होगा? तो मतलब है, मतलब इस तरह से कि अगर वो दोनों कभी एक साथ सआदत इस्लाम हासिल करते हैं तो दोनों का निकाह अगर उनके अपने मजहब के एतबार से सही तौर पर वाक़ हुआ हो तो फिर वो निकाह बाकी रहेगा, ये उसका फ़ायदा होगा। और अगर उन्होंने अपने मजहब के एतबार से निकाह सही नहीं किया है तो फिर वो निकाह माना ही नहीं जाएगा, आने के बाद फिर क्या है, निकाह उनका करना पड़ेगा। तो इसलिए ये शर्त लगी है, मुसलमानों का निकाह हो रहा है तो फिर शाहिद का मुसलमान होना ज़रूरी है। इसलिए कि आया है आयत करीमा क्या, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, ये आयत है कि इसका मफहूम ये है कि अल्लाह हरगिज़ जो है कुफार को मुसलमानों के ऊपर राह नहीं देगा, तो उनको जो है मुसलमानों के ऊपर विलायत नहीं। वला युश्तरत लअन्नहु ला शहादता लिलकाफिर अलल मुस्लिम, इसलिए कि काफिर को मुस्लिम के ऊपर शहादत नहीं है। वला युश्तरत वस्फुज़्ज़ुकूरत, एक वजह और भी बताई जाती है, एक वजह यहाँ पर और बताई जाती है, जो शर्तें सब लगी हैं उनकी एक वजह और बताई जाती है। वो वजह ये है कि ये जो शर्त लगी है गवाही की, ये किस लिए लगी है? निकाह जैसे पाकीज़ा और बातहारत अक्द के लिए कर, इसलिए लगी ताकि उसकी अज़मत शान का इजहार हो, इस अक्द की पाकीज़गी और उसकी शान का इजहार, उसकी अज़मत का इजहार हो। और ये इजहार इन लोगों की मौजूदगी से नहीं होगा, पागल हों, बच्चे हों, ग़ुलाम हों, खाली औरतें हों या कुफार हों, तो इनसे नहीं होगा। वला युश्तरतो वस्फुज़्ज़ुकूरते, और मुज़क्कर की सिफत की शर्त नहीं लगाई जाती कि सब के सब मुज़क्कर ही हों। हत्ता यनाक़िदा बिहुज़ूर रजुलिन वम्रातैन, यहाँ तक कि एक मर्द और दो औरतों की मौजूदगी में निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। वफ़ी खिलाफ़ शाफ़ी, और इसमें इमाम शाफ़ी का इख्तिलाफ़ है, इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि नहीं मर्द ही हों निकाह में। अब ये पूरी तफसील है चूंकि शहादत की बात आ गई है, तो इसलिए मुसन्निफ़ अलैहि रहमा वादा कर ले रहे हैं, कह रहे हैं वसतारिफ़ो फिस शहादात इंशाअल्लाह, और अनकरीब बाबु शहादात में इंशाअल्लाह आप इस पूरी तफसील को जानेंगे कि उनके नज़दीक सिर्फ मर्दों ही से होगी, और हमारे नज़दीक क्या है, दो औरतें हों और एक मर्द हों तो हो जाएगी, वो पूरी तफसील वहाँ आएगी, वहाँ महल उसका है। अच्छा, वला तुश्तरतुल अदालतो, अदालत की शर्त नहीं लगाई जाती है कि आदिल ही हों, फासिक हों, महदूद फिल कज़फ हों, तो उनकी भी गवाही मान ली जाएगी, यानी वो भी गवाह बन सकते हैं। कि हत्ता तनाकिदा बेहज़रतिल फासिकैन, या फासिकीन भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि दो फासिकों की मौजूदगी में निकाह मुनाक़िद हो जाएगा हमारे नज़दीक।
خلافاً للشافعی برخلاف امام شافعی کے. اب دیکھیے ان کی دلیل. لہو ان الشہادت من باب الکرامت, ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت یہ کرامت کے باب سے, عزت کے باب سے, اسی لیے سرکار نے گواہوں کی عزت کرنے کا حکم دیا. اکرم الضیوف, کیا نام, اکرم الشہود, اس طرح سے آیا حدیث میں. تو شہادت یہ کس باب سے ہے؟ کرامت کے باب سے ہے, عزت کے باب, احترام کے باب سے ہے. والفاسق من اہل الاہانت, اور فاسق جو ہے اہل اہانت سے ہے, اپنی فسق کی وجہ سے, جرم کی وجہ سے اس کی اہانت کی جائے گی. ہاں, اگر اس جرم کے علاوہ کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے گی. جیسے فاسق تو ہے لیکن عالم ہے, تو اس علم کی وجہ سے اس کی تعظیم, جہاں علم کی بات آئے گی تو تعظیم کی جائے گی, جہاں فسق کی بات آئے گی تو پھر تعظیم نہیں کی جائے گی. ایسا بہت ہوتا ہے نا, ایسا آپ اس کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کوئی عالم ہوتا ہے, اچھا عالم ہوتا ہے, تو جب بات آتی ہے اس کے فسق اس کی تو اس کی برائی کرتے ہیں لوگ, ارے چھوڑیے ان کی بات کیا کر رہے ہیں. لیکن عالم اچھا ہے, فتوی اچھا دیتا ہے, تو جب فتوی کی بات آتی ہے تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ارے یار وہی تو فتوا دیے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اگرچہ فاسق ہے وہ آدمی لیکن علم اس کا اچھا ہے, وہ بات صحیح کہہ رہا ہے, تو اس معاملے میں اس کی تعظیم کرتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ کیا جی, وہ تو آپ المعتقد میں پڑھ چکے ہیں. چلیے, ہاں, تو امام شافعی کے برخلاف, امام شافعی کی دلیل کیا کہ شہادت یہ کرامت کے باب سے ہے. والفاسق من اہل الاہانت, اور فاسق اہل الاہانت سے ہے. ولنا انہ من اہل الولایت, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ اہل ولایت سے ہے. فاسق اگرچہ مگر اسے ولایت حاصل ہے, خود اپنے اوپر ولایت حاصل ہے, اپنے بچوں کے اوپر اسے ولایت حاصل ہے. اچھا, فیکون من اہل الشہادت, اور جب یہ اہل ولایت سے ہے تو اہل شہادت سے بھی ہوگا, یعنی وہ کرامت والی بات نکال دے رہے ہیں. حالانکہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جو شہادت کی شرط لگی ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تاکہ اس پاکیزہ عقد کی عظمت کا اظہار ہو. تو عظمت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اچھے لوگ رہیں گے تب نا عظمت کا اظہار ہوگا. اب فاسق اگر ہے تو فاسق ارے سب وہی بیٹھے ہیں سب گنہگار لوگ, تو اس سے اس ذرا سا دھومل ہو جاتی ہے اس کی عزت اور اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اصل تو وہی تھا, لیکن اب یہاں پر امام شافعی نے وہی بات کہی بھی, لیکن اب یہاں پر فاسق کی گواہی, فاسق کا گواہ بننا یہ صحیح ہے, تو اس پر دوسرے انداز سے لا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی اگرچہ وہ فاسق ہے مگر اس فسق کی وجہ سے شریعت نے اس کے تصرف کو, اس کی ولایت کو کالعدم نہیں قرار دیا ہے, جیسا کہ غلام کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہے, پاگلوں کے لیے. نونگری کیا ختم کر دیا, ان کا تصرف معتبر نہیں ہے. اور شہادت کیا ہے؟ یہ ولایت کی قبیل سے ہے, جو ولی بن سکتا ہے, ولایت جس کے اندر ہوگی تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے. ولنا انہ من اہل الولایت, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق اگرچہ فاسق ہے لیکن یہ اہل ولایت سے ہے. فیکون من اہل الشہادت, لہذا یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا, کیونکہ اس کی فرا ہے, ولایت کی فرا ہے شہادت. وہذا لانہ, یہ اہل ولایت سے کیسے ہے؟ پھر وہذا لانہ لما لم یحرم الولایت علی نفسہ لاسلامہ, اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جب خود اپنی اس کی ذات کے اوپر ولایت سے اسے محروم نہیں کیا گیا, کہ اپنے اوپر کوئی تصرف وہ کرے تو اس تصرف سے اسے محروم نہیں کیا شریعت نے. کیوں نہیں محروم کیا؟ لے اسلام ہی, اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے اسلام, اگرچہ فسق کو کر رہا ہے, اس فسق کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اسلام کی وجہ سے, اسلام کی جو خوبی اس کے اندر ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی ولایت کو اس نے شریعت نے ختم نہیں کیا. لا یحرم علی غیرہ, تو پھر دوسرے کے اوپر بھی اسے محروم نہیں کیا جائے گا ولایت سے. لانہ من جنسی, کیونکہ یہ دوسرا بھی اسی کی جنس سے, یعنی یہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہے.
अच्छा, एक तो दलील ये हो गई कि जब वो अहले विलायत से है, उसकी विलायत को ख़त्म नहीं किया है, तो अपने ऊपर विलायत उससे हासिल है, तो दूसरे के ऊपर जो उसी की जिन्स से है, मुसलमान है, इस्लाम की वजह से उसकी विलायत मौजूद है, तो दूसरे के ऊपर भी उससे विलायत हासिल होगी, और जब विलायत हासिल होगी तो फिर वो शायद भी होगा। एक दलील और दे रहे हैं कि देखिए, एक फासिक है, तो आप विलायत की बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं, कि एक फासिक वो बादशाह भी बन सकता है, एक फासिक जो है अमीरुल मोमिनीन भी बन सकता है। और अमीरुल मोमिनीन बनने का मतलब क्या हुआ कि वो काजी मुकर्रर कर सकता है। भाई जब अमीरुल मोमिनीन हो गया, बादशाह हो गया, तो शरी मसले को हल करने के लिए अपने अख्तियार से जिसको चाहे वो काजी मुकर्रर कर दे, काजी मुकर्रर कर सकता है। और काजी क्या करता, फैसले ही तो करता है, गवाहों की गवाही वगैरह सब सुनता है। तो जब वो खुद काजी मुकर्रर कर सकता है, यानी दूसरे के सिपुर्द कर सकता है मनसबे कजा को, तो खुद भी काजी बन सकता है वो, नहीं हो सकता है? जब वो खुद भी काजी मुकर्रर कर सकता है किसी को, तो खुद भी वो काजी बन सकता है, और काजी वही बन सकता है जिसे विलायत हासिल हो। कि बगैर विलायत के कोई काजी बन जाएगा, कोई पागल नहीं बनेगा, कोई गुलाम नहीं बनेगा, इस तरीके से कोई नहीं बन सकता है। और एक फासिक को शरीयत ने काजी बनने से, ये अमीरुल मोमिनीन बनने से मना नहीं किया है, बल्कि आप उठा करके तारीख इस्लाम देख लीजिए, खुलफाए राशिदीन के बाद कम ही ऐसे रहे हों कि जिनके अंदर फिस्क ना पाया जाता हो। हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह देखिए सब करते थे। तो अब उससे दलील ला रहे हैं कि देखिए, वले अन्नहु, और इस वजह से ये फासिक शाहिद बन सकता है, ले अन्नहु सलुहा मुकल्लिदन, क्योंकि ये लायक है मुकल्लिद बनने के। मुकल्लिद का मतलब क्या हो गया, तकलीद कजा करने के। तकलीद का मतलब क्या होता है, वो पट्टा किसी की गर्दन में डाल देना। मुराद इससे क्या है, मनसबे कजा किसी को सिपुर्द करने वाला बनना। ये कौन होगा, अमीरुल मोमिनीन होगा, बादशाह होगा। और मुकल्लद का मतलब क्या हुआ, जिसके गर्दन में ये मनसबे कजा की जिम्मेदारी डाल दी गई है। और इस वजह से भी ये शायद बन सकता है, क्योंकि ये मुकल्लिद बन सकता है, यानी अहकाम को नाफिज करने वाला और बादशाह इस्लाम ये बन सकता है। फयस लुटो मुकल्लदन, तो ये फिर काजी भी बन सकता है, मुकल्लद भी बन सकता है कि जिसके सुपुर्द कजा की जाती है। और जब इतना बड़ा जिम्मेदार बन सकता है, तो शाहिद तो उससे नीचे दर्जे का है। वह कजा शाहिदन, और ऐसे ही शाहिद भी बन सकता है। हाँ, अब रही ये बात कि देखिए, जब ये इतनी मतलब दलील आपने दी कि भाई वो मुकल्लद बन सकता है, बहुत बड़ा पोस्ट हो गया ना उसका, और मुकल्लद भी बन सकता है, मुकल्लद बन सकता है, मुकल्लद तो बदरजे औला बन सकता है। तो अब सवाल ये होता है कि तो फिर वो गवाही भी अदा कर देना जायज होना चाहिए उसका। आपने तो सिर्फ क्या गवाह बना रहे हैं उसे, जहां तक अदाए शहादत की बात आती है, तो आप कह देना ला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इतना सब पावर दे दिया आपने, गवाही आप उससे नहीं दिलवा रहे हैं, गवाह बनवा दे रहे हैं, काजी बना दे रहे हैं, बादशाह बना दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर दे रहा है, और गवाही अदा करने की बात है तो आप वो नहीं दिलवा रहे हैं। तो समझ में आता कि गवाही भी उसे दिलवानी चाहिए। तो उसका जवाब है कि हाँ, बिला शुबहा, इन तमाम दलायल को सामने रखते हुए अक्ल यही कहती है कि वो गवाही भी अदा कर सके, गवाही दी भी गुजारने का अहल बन सके वो। हाँ, लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि नस कतई मौजूद है, फासिक की गवाही, महदूद फिल कज़ब की गवाही कबूल ना करने के बारे में नस्से कतई मौजूद है। इस वजह से अक्ल यहाँ पर दम तोड़ जाएगी, अक्ल को यहाँ पर दखल नहीं देंगे। वल महदूद फिल कज़ब मिन अहल विलायत, और महदूद फिल कज़ब ये भी अहल विलायत से ही भी फासिक ही है। फयकून मिन अहल शहादत तहम्मुलन, लिहाजा ये अहल शहादत से भी होगा, तहम्मुल के एतबार से, यानी गवाह बनने के एतबार से, गुजारने के एतबार से। वइन्नमल फाइतु समरतुल अदाए बिन्नहये लजरीमतिही, और फौत क्या चीज होगी इनके अंदर से, करें कि और फौत होने वाली चीज वो उसके जुर्म के सबब नहीं की वजह से, उसके जुर्म के सबब नहीं वारिद होने की वजह से समरे अदाए शहादत है।
अदाए शहादत का जो नतीजा है वो फौत होगा, उसका अहल नहीं होगा कि अदाए शहादत भी करते हो, शायद बन सकता है। क्यों ऐसा हुआ उसको बता दें, बिन नहीं ये ले जरीमती, उसके जुर्म के सबब नहीं वारिद होने की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नहीं वारिद ना हुई होती तो अक्ल के एतबार से यही फैसला होता कि नहीं ये गवाही भी दे सकता है। वला युबाला बेफवात ही, अब सवाल ये होता है कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई गवाह तो बन जाए लेकिन गवाही अदा करने की जब बात आए तो आप उसे रोक देना, ना तुम गवाही नहीं दे सकते हो। फिर हाँ ऐसा होता है, इसी में क्या देखिए, वला युबाला बेफवात ही, और अदाए शहादत के उसके अंदर से फौत होने की कोई परवाह नहीं की जाएगी। शाहिद बन गया और शहादत नहीं गुजार पा रहा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कमा फी शहादत उमियान, मिसाल दे रहे हैं जैसे कि अंधों की गवाही में, कि अंधे गवाह बन सकते हैं, सुनना जरूरी है। जो ऊपर आया ना, दो गवाह मौजूद हों तो सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं है, मौजूद हों और साथ साथ वो सुने, सुने भी और देख भी अगर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देख तो नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है वो कि हाँ मेरे सामने इजाब कबूल हो रहा है तो निकाह हो जाएगा। हाँ, अब अगर गवाह ऐसा शख्स था कि जो सुन तो रहा था लेकिन देख नहीं रहा था, अंधा था, तो फर्क यहीं पर पड़ेगा कि जब गवाही गुजारने की बात आएगी तो वो गवाही गुजार नहीं सकता है। कमाफी शहादत उमियान, जैसा कि अंधों की गवाही में कि गवाही सुनी नहीं जाएगी, हाँ वो गवाह बन जाएगा। वबन इलाकिदैन, और आकिदैन के बेटों की गवाही में, देखिए मर्द और औरत हैं और दोनों निकाह कर रहे हैं और दोनों के एक एक बेटे हैं, मतलब पहले से उनका निकाह हुआ होगा, पहले से उनका निकाह किसी से हुआ होगा और उससे जो है उनकी औलाद हो, तो अब गवाह कौन बन गए, एक गवाह इस औरत का बेटा और एक गवाह इस मर्द का बेटा, तो गवाह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गवाह वो बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे और निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन जब गवाही देने की बारी आएगी और वो भी खास अपने आदमी की मुआफकत में, तो उस अपने आदमी की मुआफकत में गवाही उसकी मोतबर नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। मतलब अब गवाही की बात आई, अब लड़का जो है वो लड़का गवाही दे रहा है, जो किसके बारे में गवाही दे रहा है, अपने वालदा या अपने बाप की मुआफकत में, उसके खिलाफ नहीं, तो अब मोतबर नहीं मानी जाएगी। हाँ खिलाफ देगा तो उसकी गवाही मानी जाएगी। तो अब देखिए गवाह तो बन जा रहा है, आपके दैन के बेटे गवाह बन जा रहे हैं, निकाह मुनाकिद हो जा रहा है, लेकिन जब मुआफिक गवाही देने की बारी आ रही, मुआफिक लगाइएगा, मुआफिक गवाही देने की बारी आ रही है तो कबूल नहीं की जा रही। हाँ अगर मुखालिफ दे रहे हैं तो कबूल की जाएगी।